न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, मैंने न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गोंदिया, गला घोटकर की पत्नी की हत्या। सालिकासा तहसील के बाकलसारा निवासी गीता सहनलाल पते की 34 वर्षीय की उसके पति ने गला घोटकर हत्या कर दी। 15 मई की दोपहर 2 बजे यह वारदात हुई। महिला के गले की हड्डी टूटने की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुई है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में 16 मई को देवरी तहसील के पावली दोना देवा टोला निवासी गीता के भाई ताराचंद मरसकले ने सालिकासा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को ताराचंद एवं गांव के लोगों से जानकारी मिली कि गीता 15 मई को मनरेगा के काम से लौटने के बाद घर में सो गई थी। इस दौरान सहेलाल पतेती 38 वर्ष ने गीता का दोनों हाथों से गला दबाकर हत्या कर दिया। सालिकासा तहसील के बकलसर्रा निवासी गीता सहजलाल परते की 34 वर्ष के उसके पति ने गला घोटकर हत्या कर दी। 15 मई की दोपहर 2 बजे यह वारदात हुई। महिला के गले की हड्डी टूटने की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुई है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में 16 मई को देवरी तहसील के पाउल दोना देवा टोला निवासी गीता के भाई ताराचंद मरस कोल्हे ने सालिकासा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को ताराचंद एवं गांव के लोगों से जानकारी मिली कि गीता 15 मई को मनरेगा के काम से लौटने के बाद घर में सो गई थी। इस दौरान सहजलाल पतेती 38 वर्षीय ने गीता की दोनों हाथों से गला दबाकर हत्या कर दी। सहजलाल पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। इसी बात को लेकर रोजाना विवाद होता था। वह पत्नी के साथ मारपीट करता था। इस संबंध में 17 मई को पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में सहजलाल ने अपना अपराध कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि घटना के दिन गीता मनरेगा के काम से लौटने के बाद घर में सोई थी। घर में अन्य कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। मौके का फायदा उठाकर उसने गीता की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। नमस्कार।